नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे आईपीसी का चैप्टर सेकंड, जो साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता अध्याय 2 धारा 652 का साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण धारा 6 संपूर्ण संहिता के निर्वचन की कुंजी कही जाती है, जिसमें संहिता के सारे उपबंधों का संहिता में ही उपबंधित साधारण अपवादों के अधीन रखा गया है। इसके अतिरिक्त अनेक धाराओं में विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिसमें लिंग धारा 8, वचन धारा 9, पुरुष या स्त्री धारा 10, व्यक्ति धारा 11, लोक धारा 12, भारत धारा 18, न्यायाधीश धारा 19, न्यायालय धारा 20, लोक सेवक धारा 21, जंगम संपत्ति धारा 22, सदोष अभिलाप एवं सदोष हानि धारा 23, बेईमानी से धारा 24, कपटपूर्ण धारा 25, विश्वास करने का कारण धारा 26, कूटकरण धारा 28, दस्तावेज धारा 29, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख धारा 29A, मूल्यवान प्रतिभूति धारा 30, विल धारा 31, कार्य लोप धारा 33 में परिभाषित किया गया है। सभी धाराओं को नोटपैड पे नोट करते चलें, ताकि ये धाराएं आपको याद रहें। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इन धाराओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो जो भी धाराएं बता दी जा रही हैं, उन सभी धाराओं को आप नोट करते चलें। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। दंड संहिता की धारा 34 में संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत समाविष्ट है। धारा 34, जब एक आपराधिक कृत सभी व्यक्तियों ने समान इरादे से किया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेवार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के पूर्ण होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य होता है। किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, आपराधिक गतिविधि में एक से अधिक लोग लिप्त होने चाहिए, अपराध करने का सभी लोगों का इरादा एक ही होना चाहिए, आपराधिक गतिविधि में सभी आरोपियों की भागीदारी होनी चाहिए। आइए उदाहरण से समझते हैं। तीन व्यक्ति आपसी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को घायल करना, मारना या किसी प्रकार की हानि पहुंचाना चाहते हैं, और वे सभी लोग इस काम को अंजाम देने के लिए अपने स्थान से रवाना होकर वहां पहुंच जाते हैं जहां वह व्यक्ति मौजूद होता है। जैसे ही उन लोगों को वह व्यक्ति दिखाई देता है, तो उन तीनों लोगों में से एक व्यक्ति उस व्यक्ति पर किसी हथियार आदि से हमला कर देता है, किंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार से इस हमले को झेल लेता है और उन तीन हमलावरों को सामने देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। जब तक हमलावर उसे पकड़ पाते, वहां पर कुछ लोग और एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी हमलावर वहां से भाग निकलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति को घायल करने का कार्य केवल एक ही व्यक्ति ने किया, जिस कारण वह दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत अपराधी है, किंतु अन्य दो व्यक्तियों ने भी उस व्यक्ति को घायल करने की नियत से ही उस तीसरे व्यक्ति के साथ वहां गए थे, अतः वे तीनों व्यक्ति भी उस व्यक्ति पर हमला करने के अपराधी हैं, क्योंकि उन सभी लोगों का समान इरादा था। उन सभी पर धारा 323 के साथ दंड संहिता की धारा 34 भी आरोपित की जाएगी। दंड संहिता की धारा 34 में किसी अपराध की सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्कि इस धारा में केवल ऐसे अपराध के बारे में बताया गया है जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया हो। कभी किसी भी आरोपी पर उसके द्वारा किए गए किसी अपराध में केवल धारा 34 का प्रयोग नहीं हो सकता है। यदि किसी आरोपी पर धारा 34 लगाई गई है, तो उस व्यक्ति पर धारा 34 के साथ कोई अन्य अपराध की धारा अवश्य लगाई जाएगी। दंड संहिता की धारा 35 के अनुसार जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो। संहिता की धारा 36 के अनुसार कार्य द्वारा, अंशतः लोप द्वारा परिणामकारित, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम को कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, जहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है।
दंड संहिता की धारा 38 के अनुसार जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपर्क हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। उदाहरण के लिए का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन या पर आक्रमण करता है कि या को उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। खा जो या से वैमानस रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए या को वध करने में का की सहायता करता है। यहां यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी है और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। समान आशय तथा समान उद्देश्य में अंतर। धारा 34 के अर्थ के अंतर्गत समान आशय अपरिभाषित तथा असीमित है, जबकि समान उद्देश्य धारा 149 में परिभाषित है। धारा 34 के अंतर्गत आपराधिक कृत समान आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, जबकि धारा 149 के अंतर्गत आपराधिक कृत समान उद्देश्य के निष्पादन में किया जाता है। धारा 34 के परिवर्तन के लिए अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोग आवश्यक है, जबकि धारा 149 के अंतर्गत सक्रिय सहयोग आवश्यक नहीं है। धारा 34 के अंतर्गत दायित्व का आधार समान आशय है जो अभियुक्त व्यक्तियों को प्रेरित करता है। धारा 149 के अंतर्गत दायित्व का आधार समान उद्देश्य या किसी अपराध के घटित होने की संभावना है। धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है परंतु किसी विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती, यह निर्वाचनात्मक प्रकृति की है। धारा 149 विशिष्ट अपराध का सृजन करती है, यह संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की घोषणा करती है। इसी प्रकार धारा 39 में स्वेच्छा, धारा 40 में अपराध तथा धारा 43 में अवैध को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा क्षति धारा 34 में, जीवन धारा 45 में, मृत्यु धारा 46 में तथा शपथ धारा 51 में परिभाषित किया गया है। दंड संहिता की धारा 52 में सद्भावना पूर्वक शब्द की परिभाषा दी गई है। दंड संहिता की धारा 52 के अनुसार जब कोई बात, कोई क्रिया विश्वास के साथ और आवश्यक सावधानी लेकर की जाती है या समझी जाती है तब वह सद्भावना पूर्वक की गई है, ऐसा कहा जाता है। धारा 52 सद्भावना पूर्वक किया जाना निम्नलिखित तीन तत्वों पर निर्भर करता है। अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति, किसी कार्य का परिणाम एवं महत्व, सतर्कता तथा ध्यान का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त अवसर। दंड संहिता की धारा 52 का में सनाश्रय को परिभाषित किया गया है। संहिता की धारा 52 का धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां की आश्रय आश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। सनाश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों में से, चाहे वो किन्हीं उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में उल्लेखित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचाने के लिए करना आता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।